बढ़ते हैं खबरों की ओर, जहां 2018 शिक्षक भर्ती परीक्षा में पास अभ्यर्थी अपनी नियुक्ति की राह देखते देखते अब सड़कों पर उतर आए हैं। इसी कड़ी में शनिवार को अभ्यर्थी बीजेपी मुख्यालय पर अपने नियुक्ति पत्र और मुख्यमंत्री के वादे को याद दिलाते हुए धरने पर बैठ गए। कुछ महिला अभ्यर्थी सीएम शिवराज को अपने किए वादे की याद दिलाने अपने साथ राखी की थाल भी लेकर आई थी। धरने के दौरान पुरुष अभ्यर्थी को पुलिस पहले ही खदेड़ चुकी थी, जिसके बाद महिला शिक्षक अभ्यर्थियों ने मोर्चा संभाला था, नारेबाजी की और सीएम को राखी के गाने भी गाए। विभिन्न विसंगतियों के कारण आज हम सड़कों पर हैं। विभाग और शिक्षा मंत्री जी का कहना है कि हमारे पास पद नहीं है, हमने शिक्षक भर्ती पूर्ण कर दी। यदि पद नहीं है तो अतिथि शिक्षक क्यों रखे जा रहे हैं, मेरा एक सवाल है आपसे। शिक्षा मंत्री इस चीज का जवाब दे। जब पद नहीं थे तो 23 का नोटिफिकेशन क्यों जारी किया, जब 2018 के पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध थे, मेरिट होल्डर आयु सीमा पार कर रहे हैं। जब पद उपलब्ध है, अभ्यर्थी उपलब्ध है, तो इनसे भरिए ना। उच्च माध्यमिक के 53,535 पद जो सभी वर्गों के हैं, जिसमें ईडब्ल्यूएस वर्ग के 848 पद हैं। मामा जी ने कई मंचों से घोषणा की है। आयु सीमा को पार कर रहे हैं, हमारे पास अब जीवन का कोई विकल्प नहीं है। हम बहुत निर्धन परिवारों से आते हैं, मध्यप्रति थर्ड काउंसिल है, उसे शीघ्र अति शीघ्र पूर्ण करें। आज तारीख तक मात्र 30,000 भर्तियां हुई है, बाकी 32,000 पोस्ट खाली है। हम सभी उन 32,000 पोस्ट को मांगने यहां बैठे हैं। हम चाहते हैं कि शिक्षक भर्ती 2018 में जो हमारे पद रिक्त रह गए हैं की जाए, और लाडले भैया ने जो राखी का धागा बनाया है, जो भाई बहन का रिश्ता बनाया, उस रिश्ते को निभाते हुए हम बहनों के साथ न्याय करें।